मॉर्निंग एवरीवन, उम्मीद है कि तुम ठीक होवोगे। बेटा आज असीं दोहराई करांगे पाठ नंबर 25 किरत दस विकार। ठीक है, पाठ नंबर 25 किरत दस विकार असीं पहला भी किया हुआ है, एक बार आपां फिर इहनूं दोहरा लैंदे हाँ। ठीक है, किरत दस विकार की है बच्चे? एक इकांगी है, इकांगी का तुहानूं अर्थ पहला भी दस्सिया होया है। वन एक्ट प्ले मतलब इको ही दृश्य दे विच, इको ही सीन दे विच इकांगीकार वख-वख पात्रां दे द्वारा उन्होंने संवादा डायलॉग से द्वारा एक कहानी को मैसेज दिंदा है। ठीक है, संदेश दिंदा है, राइट। ते इहदे विच पात्र हुंदे ने जो अपने डायलॉग्स बोलदे ने। ठीक है, किरत दा सतिकार भी एक इकांगी है। इहदे विच दस्सिया की होया, किरत दा सतिकार काम दा सतिकार करना, काम दा आदर करना, चाहे वह काम छोटा है या वड्डा है। सानूं हर काम दा सतिकार करना चाहिए है, ना कि किसी काम नूं छोटा या वड्डा समझना चाहिए। ठीक है, कहानी की है, एक इहदे विच मुख पात्र है जिसका नाम की है कृष्ण। कृष्ण की करता है बूट पॉलिश करता है। ठीक है, यह इकांगी का मुख पात्र है, बूट पॉलिश करता है। यह नाल पढ़ता भी है। ठीक है, क्यों बूट पॉलिश करता है? अपनी किताबा ते स्कूल दी फीस भरन लई। ते माए की करती है? लोगों के कपड़े सीउंदी है, घर का गुजारा करती है। ते पिता जी की मौत हो गई है। ठीक है, ते इहदे विच दूसरा पात्र है सेठ। सेठ की है बहुत कंजूस है। ठीक है, लालची है, गरीबां दा हक मारन वाला है, गरीबां नूं चंगा नहीं समझता। ठीक है, इस्त्री, इस्त्री पढ़ी लिखी है ते कृष्ण दी फेवर करती है, ते हमेशा हक दी कमाई विच विश्वास करती है। अगे है केसर, केसर भी पढ़िया लिखा है, कृष्ण की फेवर करता है। अगे अध्यापक, अध्यापक कृष्ण दे स्कूल विच है, ते नाल ही इहदे सहायक हत्था हुंदे जमाती। ठीक है, उहदे क्लास विच कृष्ण दे, राइट। कहानी की है हुण कि 13 नंबर दी बस फड़नी हुंदी है। सीन है एक बस अड्डे दा दृश्य है। 13 नंबर दी बस फड़नी है, सेठ ने वो काली कार विच जांदा है, उहदी बस छुट जांदी है। ठीक है, ते केसर कहिंदा है कि तुसीं टैक्सी कर लो, क्योंकि सेठ कंजूस है। वो कहिंदा है कि मैं टैक्सी नहीं करनी, मैनूं तां हजारां दा नुकसान हो जाएगा। सेठ दा किन्ने दा नुकसान हो जाएगा? हजारां दा। ठीक है, ते एने नूं ही की हुंदा है, कृष्ण आंदा है बूट पॉलिश लई, बोलता है। तो इस्त्री कहती है तू मेरे बूट पॉलिश कर। इस्त्री उसको किन्ने पैसे देती है? 50 पैसे। ठीक है, पैसे लिखना है बेटा, रुपए नहीं लिखना। तो उस तो बाद विच सेठ पॉलिश करवाता है बूट पर। सेठ की करता है, सेठ नूं उहदी बूट पॉलिश पसंद नहीं आती, तो उसनों 25 पैसे। ठीक है, 25 या 25 पैसे, 25 पैसे दिंदा है। ठीक है, पर कृष्ण की इतनी मेहनत नहीं बनती। वो कहता है कि मेरी मेहनत नहीं है, मैनू होर पैसे चाहिए हैं। सेठ उहदे नाल बहुत रुखा व्यवहार करता है, वह पैसे जमीन पर सुट देता है। ठीक है, इस्त्री ते केसर जो हैं वो कृष्ण की हमायत करते हैं, उसकी फेवर करते हैं कि इन्हें तो मेहनत की है, तुसी इसनू अपनी मेहनत की कमाई क्यों नहीं दे रहे। ते दूसरा पासे सेठ की करता है, उहदे नाल रुखा व्यवहार करता है। ठीक है, उहनू ठुड्डा मारता है ते उहदी मेहनत की पैसे नहीं दिंदा। एने नूं ही कृष्ण का अध्यापक आंदा है, वह कहता है कि बहुत मेहनती लड़का है, हमेशा अपनी जमात विचों दी अव्वल या फर्स्ट आंदा है। ठीक है, ते हमेशा हक की कमाई खांदा है। ठीक है, ते वह कहते कि तुसी सेठ जी या तो थाने चलो या तुसी इत्थे ही फैसला कर लो। सेठ नूं किन्ने रुपए का जुर्माना लाया जाता है? 150 रुपए का। ठीक है, 150 रुपए का जुर्माना लाया जाता है, पर सेठ कंजूस है, इन्ने पैसे नहीं दे सकता, तो कहता कि 125 रुपए दिते जाए। पर कृष्ण ये पैसे नहीं लैंदा, क्योंकि कृष्ण हमेशा हक हलाल की कमाई खाता है। ठीक है, ते डिसाइड भी किया जाता है कि सारे के सारे पैसे स्कूल फंड विच जमा करवाए जाए। ठीक है, ते बाद विच सारा मामला सॉल्व हो जाता है, ते कृष्ण अपने घर काम करने लई चल जाता है, ते बाद विच अपने मित्रां दे नाल हॉकी खेडण लई चला जाता है। ठीक है बच्चे, तुहानू क्वेश्चन आंसर भी कराए गए हैं, एक बार क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है, तो उहदे विच तुहानू दस्सिया होया सीगा कि कृष्ण की काम करता है, बूट पॉलिश करन दा काम करता है। ठीक, उस तो बाद देखो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है
किरत दा सतिकारी कंग विच केड़े केड़े पात्र हन अते इह पात्र किहड़े पात्र द्वाले सारी कहानी घूमदी है। ठीक है, किन्ने पात्र हन देखो, कृष्ण, सेब, इस्त्री, केसर, अध्यापक ते उसदे जमाती। ठीक है, किहड़े पात्र द्वाले कहानी घूमदी है या इकांकी घूमदी है? कृष्ण दे द्वाले। फिर तुसी थोड़ा जिहा कृष्ण दा कैरेक्टरिस्टिक लिख देना कि कृष्ण बहुत मेहनती लड़का है, बूट पॉलिश करता है, क्यों? ता जो अपने स्कूल दी फीस भर सके या किताबां दा खर्चा दे सके। ठीक है, सेकंड है कृष्ण केहो जिहा लड़का है, वो बूट पॉलिश क्यों करता है? कृष्ण एक मेहनती लड़का है। ठीक है, मेहनती दे स्टाइल के बेटा तुसी बहुत बार गलत लिख देंदे हो। ठीक है, मेहनती है, बहुत सुलझा हुआ है, सुलझा मतलब खराब है उसकी। ठीक है, बैलेंस है उसकी जिहड़ी पूरी दी पूरी। ठीक है, ते बूट पॉलिश क्यों करता है? क्योंकि उसने अपने घर का गुजारा करना है, मां कपड़े सिलती है, पिता जी का देहांत हो चुका है, ते वो अपनी स्कूल दी फीस ते किताबां दा खर्चा करता है। थर्ड है, सेठ ने कृष्ण नु क्यों मारिया? सेठ ने कृष्ण नु इसलिए मारिया सी क्योंकि जदों इस्त्री ने बूट पॉलिश करवाए सन ते इस्त्री ने उसकी मेहनत तो खुश होकर उसनु पूरी मेहनत की कमाई दी, किन्ने 50 पैसे दिते सन। ठीक है, पर सेठ क्योंकि कंजूस है इसलिए वो उसनु पूरी मेहनत की कमाई नहीं देना चाहता। ठीक है, उसनु किन्ने पैसे दिता है? सिर्फ 25 पैसे दिता है, ते बाद में जो भी पैसे वो थले छोड़ दिता है ते उनु लत मारता है। ठीक है, पंचा ने सेठ नु की दंड लाया? जदों सेठ ने उसनु कृष्ण उसकी बढ़ती मेहनत की कमाई नहीं दिती ता केसर अते इस्त्री दे समझान ते, ठीक है, उस तो बाद विच अध्यापक भी आ गया सी, तो उन्होंने सारे ने उन्हों 150 रुपए दंड या फाइन या जुर्माना लगाया। ठीक है, ते सेठ ने यह देने तो इनकार कर दिता। ठीक है, ते 125 रुपए का बाद विच जुर्माना लाया गया, तो उन्होंने रुपया का की किया गया? स्कूल के फंड दे दिते गए ताकि स्कूल की भलाई हो सके। लास्ट है, किरत का सतिकार इकांगी तो की सिक्ख्या मिलती है? सिक्ख्या की मिलती है बेटा कि पहला तो सानू किरत का सतिकार करना चाहिए है, हर काम चाहे वह छोटा है या बड़ा है सबनों एक बराबर समझना चाहिए है, हक की कमाई खानी चाहिए है, मेहनत की कमाई खानी चाहिए है। ठीक है, गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, बड़ी मेहनत की कमाई देनी चाहिए है, मेहनत करनी चाहिए है। ठीक है बेटा, उस तो बाद विच बच्चे थानू ग्रामर दा सी विरोधी शब्द पेश हो 130। ठीक है, PT3 विच भी है, PT4 विच भी है विरोधी शब्द। पेज नंबर 130, ईमानदार, बेईमान, संगणा, पतला, निडर, निडरता, तुसी डरो भी लिख सकते हो, ड्राकल भी लिख सकते हो, स्वादी, बेस्वादी, दुर्कारना, सत्कारना, दुर्कारना मतलब के डिसरिस्पेक्ट करनी। ठीक है, पिंड, शहर, तुप, छां, पवित्र, अपवित्र, बलवान, कमजोर, बहादुर, कायर। ठीक है, कायर से स्पेलिंग बच्चे से ही लिखो, मतलब जो बहादुर नहीं होंगे, जो डराकल होंगे है, चढ़ाई, उतराई, चोपड़ी, रुखी, छोटा, बड़ा, जबानी, लिखती, गुरु, चेला, कुआरी, ब्याही, कोसा, ठंडा, काला, गोरा, कौड़ा, मिठा, कुबुद, सुबुद। कुबुद मतलब माड़ी बुद्धि वाला, ठीक है, सुबुद मतलब चंगी बुद्धि वाला, खरा, खोटा, खरा हुंदा चंगा, खोटा निकम्मा, झूठ, सच, जोड़ू, खर्चू, खुशबू, बदबू, खुला, तंग, ठार, ठग, सार, बिरला, संगणा या पतला भी लिख सकते हो, वैरी, मित्र, यार, दुश्मन, कोला, खचरा, खचरा मतलब बहुत ज्यादा चलाक, फिकर, बेफिक्री, चढ़दी, लहदी, करेलू, बाजारी, सिद्धा, पुट्ठा, वधिया, कटिया, तरना, डुबना, सवेर, शाम, पार, उरार, पार मतलब इधरले पासे, उरार मतलब उधरले पासे, पढ़िया, अनपढ़, बुरा, पला, राहा, राहा लगी है, कुराहा, कुरा मतलब माड़ा रास्ता। ठीक है,
रहा मतलब चंगा रस्ता, रोगी आरोग्य भी लिख सकते हो, सेहतमंद भी लिख सकते हो। चिट्टा काला, जागना सोना, जन्म मरण, चलाक सिद्धा, कट वद, कोसा ठंडा, कोमल कठोर भी लिख सकते हो, सख्त भी लिख सकते हो। क्रोती शान, कमोना गुमोना, वखरा सांझा, ठीक है, सांझा मतलब सबना, वखरा सांझा। चढ़दा लहंगा, टिब्बा टोआ, गुप्त प्रगट, खरीदना बेचना, टूटा साबत, डिगना उठना, फोका मिठा, लो परलोक, ठीक है, लो परलोक, परलोक मतलब के पराया, पर मतलब पराया लोक, दूसरी दुनिया, ठीक है। मुंडा कुड़ी, कुखा रज्जिया, बुड्ढा बालक, ठीक है बेटा। तुसी इसनों अपनी रफ कॉपी ते करना है, उम्मीद है कि थानू समझ लग गया होवेगा। थैंक यू सो मच।